हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी लाइफ। आज हम बात करते हैं किसके बारे में, पता है? आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये पानी है और मैंने पानी में ये कुछ नींबू डाला है और एक आपको दिखेगा ये दालचीनी का लकड़ी है इसमें। तो कोई भी फ्लेवर का आप पानी बना के पी सकते हैं या आप ऐसे भी पानी पी सकते हैं, मगर मुझे कभी कभी मैं ऐसे बना के पी लेती हूँ, मुझे ये फ्लेवर अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ऑरेंज भी डाल के पी लेती हूँ। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसे सीज़न है या कुछ है, आपको जैसे अच्छा फील होता है आप पी सकते हैं, मगर पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अगर आपको बॉटल का पानी पीना है तो प्लास्टिक का बॉटल आप अवॉइड कीजिए। ट्राई टू हैव इन ग्लास बॉटल। अगर ग्लास का नहीं ले सकते तो ये स्टील का बॉटल ले सकते हैं। ये मेरी बेटी की बॉटल है, तो हम लोग कोई भी प्लास्टिक के बॉटल में पानी नहीं पीते और मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी लाते भी हो तो आप प्लीज़ उसको ट्रांसफ़र कीजिए आपके स्टील के बॉटल में या आपके ग्लास के बॉटल में। बट मैं तो कहूँगी फर्स्ट रेफरेंस ग्लास बॉटल सबसे बेस्ट रहेगा, पर ट्राई करो। पर एवरीवेयर नहीं हो सकता, मगर आप ऑफिस में तो रख ही सकते हैं, आप बाद में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा। तो आज बात करते पानी के बारे में। पानी क्या है, हम बहुत ही इजी ले लेते हैं पानी। खड़े खड़े पानी पी लिया या एक बॉटल खरीदे कहीं भी पी लिया मुंह लगा के, प्लास्टिक की बॉटल, तो इट्स नॉट गुड। एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर ये छोटी छोटी बातें हमको याद नहीं रहती है, हम अवॉइड करते हैं या इसको इस पर ध्यान नहीं देते, पहली बात तो ये है। मगर ये ज़रूरी है कि हम ये जो पानी पीते हैं, देखिए 70% तो हमारे बॉडी का पानी रहता है। जैसे अर्थ पे है वैसे हमारी बॉडी भी वैसी है। पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, खाने से पहले हमें पानी चाहिए। अगर पानी नहीं तो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। इतना पानी का हमारे जीवन में उसका महत्व है। देखिए अभी पानी हमें कैसा पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए हमें जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमको पीना चाहिए पानी। पर कैसे, गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना चाहिए। जैसे आप पानी पीते हो गर्म पानी या गुनगुना पानी, तो उससे आपका जो बोवल सिस्टम है, आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो क्लीन हो जाते हैं जब आप सुबह उठ के पानी पीते हो तो। पर ट्राई करो कि आप 2 से 3 ग्लास पानी पिए। मगर मुझे पता है आप स्टार्टिंग में तो आप पी नहीं सकते इतना, तो स्टार्टिंग आप आधे ग्लास या 1 ग्लास से कीजिए, गुनगुना पीजिए। या आप चाय की तरह भी आप पीते हो तो बहुत अच्छा, अगर आपको टाइम है तो आप के वैसा भी पी सकते हो, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके बॉडी में। और वन मोर थिंग इज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये इसके देखिए फ़ायदे भी है नुकसान भी। आप कहोगे पानी पीने का क्या नुकसान है, पानी पीने का नुकसान ये है कि आप गलत वक्त पे पीते हो, या आपको जब भी पानी नहीं पीना चाहिए आप तभी पीते हो। अरे पानी कोई तो बोलोगे अरे ऐसे थोड़ी होता है, पानी तो हमें पीना ही चाहिए। हाँ, मगर पानी पीना चाहिए, मगर अगर आप गलत वक्त पे पीते हो और या कुछ प्रॉब्लम पे पीते हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जैसे कि मैंने कहा आप चाय कॉफ़ी पीते हो, तो उसके पहले अगर आप पानी पीते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपकी जो एसिडिटी है बॉडी में, या एसिडिटी होती है चाय पी के या कॉफ़ी पी के, बाद में आपको वो रियलाइज़ होता है कि खाना हजम नहीं होता है या यू फील सम इनकन्वीनियंट यू नो, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो इसका मतलब है कि वो चाय के कारण हो रहा है, मगर हमारी जो आदतें हैं हम वो यू नो वो स्टॉप नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 1 ग्लास पानी पीजिए, उसके पहले आप चाय पी रहे या कॉफ़ी पी रहे, और बाद में आप पीजिए। तो उससे आपका जो भी आप पीते हो वो चाय कॉफ़ी, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, एसिडिटी नहीं होगी, आपको अच्छा फील होगा। और जो बार बार चाय कॉफ़ी पीते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हम बात करेंगे लंच के बारे में। अभी लंच भी ऐसे है कि लोग ग्लास लेके पानी बैठते हैं, मतलब ऐसे ग्लास लेते हैं पानी का और खाना खाने बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप पानी लेके नहीं बैठे, और जब आप खाना खाते हो तो पूरा खाना खाए, और फिर बाद में अगर आपको बहुत ही ऐसा फील होता है कि आपको पानी पीना ही है, तो आप एक काम कीजिए, एक घूंट पीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। मगर आप पानी की आदत नहीं रखिए कि आपको एक निवाला खाया या 2 निवाला खाया पानी पीना है एक घूंट, ऐसा नहीं करें। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं हमारे जो पेट की अग्नि होती है वो काम करती है, और आप पानी पी के वो अग्नि को बुझाते हैं। आप बुझाने से उस क्या होता है, वो आपका जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं करता है खाने का, और वो फिर खाना अंदर के अंदर सड़ जाता है,
और सड़ने से फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. आप बोलोगे मैंने तो बहुत अच्छा खाना खाया था, मैं अच्छी डाइट करता हूँ, मगर आप पानी पीते हो तो उसमें सब आप पूरा नष्ट कर देते हो. मतलब जैसे आपने पानी पिया, गुड़ गुड़ करके बहुत सारा पानी पिया, और जो लोग बर्फ़ का पानी पीते हैं जैसे आइस क्यूब डाला पानी पिया या सोडा पिया, आजकल तो बहुत लोग स्टाइल में पेप्सी मंगाते हैं या और कुछ मंगाते हैं, चलो उन्हें मुझे ये चाहिए कोल्ड ड्रिंक, बट डैट्स रॉन्ग. बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमारे डाइजेशन को हम लोग ही ख़राब करते हैं ये सब पी के. आपको कभी कुछ पीना है तो लंच के टाइम या डिनर के टाइम ये कभी नहीं करें आप. ठंडी चीज़ कोई कुछ नहीं खाए, इवन आइसक्रीम भी उसका टाइम रखे. खाना खाने के तुरंत कभी आइसक्रीम नहीं खाए, थोड़ा टाइम रखे, जैसे 45 मिनट्स और 40 मिनट्स उसके बाद ही आइसक्रीम खाए. तो उससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा और बाद में आपने जो भी खाया वो भी आपको पच जाएगा. तो ये है, और डिनर का भी यही ऐसी ही बात है. पर आपको 45 मिनट्स या 1 आवर का टाइम रखना ही रखना है. इतना गैप रखने से ही आपको फ़ायदा होगा. इवन लंच के पहले भी ऐसे ही करना है. ऐसे नहीं कि मैं लंच ले रहा हूँ तो चलो एक ग्लास पानी पी के फिर लंच लेता हूँ, नहीं ऐसे भी नहीं करो. आपको 45 मिनट्स पहले पानी पीना है और खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद पानी पीना है. तो ऐसे करना है आपको. तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और उससे आपका पेट भी साफ रहेगा. आपको जो आप खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएगा. तो ये एक बात है. वन मोर थिंग इज बताना चाहती हूँ कि बच्चे लोग को हम पानी ज़्यादा नहीं पिला सकते, तो क्या कर सकते हैं. बच्चे लोग को फ्रूट्स खिलाइए, जैसे वाटरमेलन हो गया, कैंटलॉप हो गया, देन ये कुकम्बर है, व्हाट यू से ककड़ी है, बहुत सारे जो जिसमें वाटर का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लस्सी है. तो जैसे अगर वेदर अच्छा है तो आप लस्सी भी पिला सकते हो, या यू नो समथिंग लाइक द छाछ या लस्सी या जूस बनाइए, कुछ तो कीजिए जो लिक्विड हो और वैसा पिलाइए. और बच्चे पिएंगे तो पानी भी हो गया और लिक्विड डाइट भी हो गई, तो उससे क्या होगा उनके पेट की मतलब उनका जो बॉडी में जो बैलेंस है पानी का वो ठीक रहेगा. क्योंकि बच्चे को हम लोग ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, वो लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, मगर उनको कुछ उनके यू नो लाइफस्टाइल के जैसा उनको जो अच्छा लगता है ऐसा करके आप उनको पिला सकते हैं. वन मोर थिंग इज और एक बात है, जैसे बच्चे कोई है जैसे किसी को बीमारी है या लाइक फीवर हुआ, तो लोग मैंने देखा है बहुत बार लोग खाना खिलाते हैं, अरे खाना खा लो, कुछ तो खा लो, कुछ खाया नहीं बुखार में, ऐसा नहीं करें. आपको सिर्फ लिक्विड डाइट देना है उनको, जैसे सूप हो गया, जूस हुआ या कुछ भी है, पर पानीदार, जैसे लिक्विड होना चाहिए, पानी होना चाहिए उसमें और कुछ नहीं. और पानी पिलाते रहो, सबसे बेस्ट तो पानी है, मगर अगर भूख लगी है तो उनको सूप पिलाओ या जूस पिलाओ, ऐसा कीजिए. तो उससे क्या होगा, उनका जो फीवर है वो जल्दी कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर उनका लेवल हो जाएगा, तो वो अच्छी बात है. तो आप वो ट्राई करो, कभी उनको खाना नहीं खिलाओ अगर उनको जल्दी ठीक होना है तो. वन मोर थिंग इज प्रेगनेंसी में भी वही बात है. प्रेगनेंसी में क्या होता है, उनको बहुत बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है. वॉशरूम जाने से उनके बॉडी का जो भी पानी है वो निकल जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं. तो हाइड्रेट होने के लिए भी उनको हमेशा एक बॉटल उनके साथ रखनी पड़ेगी. सिप सिप करके आप पानी पी सकते हो, और पानी कभी भी आप पियो तो ऐसे फटाफट मत पीजिए, सिप सिप करके पीजिए. एक्चुअली मैं भी ऐसे पीती थी, मगर देन माय हस्बैंड चेंज माय स्टाइल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सब बातें हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल है तो ये बात जल्दी नहीं हो सकती. किसी ने बताया और हमने सुन लिया और हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ये मुझे पता है. मगर हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो. और एक नुस्खा ये है कि वेट लॉस भी इससे होता है. अभी वेट लॉस कैसे होता है आपको बताती हूँ. वेट लॉस के लिए पानी कैसे पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए. जैसे हम टी पीते हैं, टी ग्रीन टी पिए या कॉफ़ी पीते हैं, तो हम कैसे सिप सिप करके पीते हैं ना, तो ऐसे आप पीजिए गर्म पानी, मस्त सिप सिप करके पीजिए. तो उससे क्या होगा, आपका वेट लॉस अच्छे से होगा और उससे बहुत ही फ़ायदा होगा. वेट लॉस मतलब कि जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं होगा. देखिए वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आपको पतला होना है, स्किनी होना है. आपको ये ध्यान रखिए कि आपको तंदुरुस्त होना है, आपको हेल्दी होना है और आप अपने आप से कंफर्टेबल रहना चाहिए आपको. मतलब एक बैलेंस वेट होना चाहिए, बस यही है. स्किनी होने की ज़रूरत नहीं है,
आप अगर अपने आप में कंफर्टेबल हो और आप बैलेंस हो आपकी बॉडी, तो ठीक ही है, नो प्रॉब्लम. इवन एक्टर्स लोग जो है वो लोग भी गर्म पानी ही पीते हैं. वो लोग सिर्फ एड के लिए या कमर्शियल के लिए वो लोग बताते हैं क्या ये पिया वो पिया, सोडा या ड्रिंक वो लोग बताते हैं, मगर वो लोग एवरीडे कभी नहीं पीते हैं. वो लोग एवरीडे ग्रीन टी पिएंगे या गर्म पानी पिएंगे, उससे ही वो लोग शेप में रहते. क्योंकि सिर्फ वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते जिम जाके, उनका जो एवरीडे का जो लाइफस्टाइल है वो भी उनका बहुत ही डिफरेंट होता है. और पानी पीने का स्टाइल जो मैंने कहा, वो सिप सिप करके वो लोग भी गर्म गर्म पानी पीते हैं, जिससे कि उनका बॉडी का जो वेट है वो बैलेंस रहता है. तो ये ध्यान में रखिए. अब बात करेंगे और एक जो है आजकल बहुत चलन हुआ है, जो भी है प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी लेता है. तो प्लास्टिक के बॉटल का अवॉइड ही कीजिए जितना हो सकता है. अगर आपको पीना ही है तो आप प्लीज़ एक बॉटल दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र कीजिए और पानी पीजिए, ऐसा कर सकते हैं. मगर डायरेक्ट वो प्लास्टिक के बॉटल से पानी नहीं पीजिए, दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. वन मोर थिंग इज टिप्स बताना चाहती हूँ. टिप्स ये है कि जैसे पानी आपको कहीं पीना है और वहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा है या आर्ग्यूमेंट चल रही है जो कि हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब हेल्दी इन द सेंस आप जान सकते हो, आपको पता चल ही जाएगा कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई गुस्से में है, तो वहाँ का पानी आप नहीं पिए. मतलब जो पानी भरा होता है टैप का नहीं, जो भरा होता है जैसे जार में पानी हुआ या और किस में हुआ और आप वो पानी पी रहे, तो ऐसा नहीं करें. तब भी आप वो पानी नहीं पिए, अवॉइड करें उस जगह का पानी, अवॉइड करें. बिकॉज वो जो एनर्जीज है वो पानी में आ जाती है, जहाँ भी वो भी एनवायरनमेंट रहता है वो एनर्जी आ जाती है. जैसे आपने देखा होगा आप होली प्लेस जाते हो, तो होली प्लेस जाने का मतलब आप जब भी जाते हो तो वहाँ का पानी पी के देखो आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितना अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो पानी तो वही है, सेम ही है हम जो पानी पीते हैं, मगर वो एनवायरनमेंट के कारण वो पानी जो है वो अच्छा हो जाता है और आपको बहुत अच्छा लगता है. तो वही बात है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जीज को. देखिए जो पानी एनर्जी नहीं रहती है जो पानी में, वो पानी को स्मेल आती है, वो मर जाता है पानी, मतलब उसमें कुछ नहीं रहता. जहाँ भी पानी पड़ा रहता है वो सड़ जाता है, तो उसकी स्मेल आती है. और जो बहता पानी रहता है, जो अच्छा पानी रहता है, वो अच्छा अपने लिए अच्छा रहता है क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है. तो जहाँ भी वो पानी रहता है वो उसकी एनर्जी लेता है और अपने को वो एनर्जी देता है. तो ये ध्यान में रखिए. और एक टिप्स ये है कि आप किसी को भी पानी देते, स्पेशली अपने बच्चे को पानी देते या अपने फैमिली में किसी को भी आप पानी पिला रहे हो, तो पानी पिलाते वक्त वो बच्चे को या किसी को भी गुस्सा ना करे या कुछ आर्ग्यूमेंट ना करे या कुछ भी है कि आपका जो एक बोलने का जो स्टाइल है या नेगेटिविटी है वो नहीं निकाले. अगर आपको बात करनी भी है तो आप बाद में बात करें, पर पानी देते वक्त कभी भी पानी वो बात नहीं करें. क्योंकि उससे क्या होता है, वो एनर्जी आप जो भी बात कर रहे या जो आप अभी बोलने वाले या गुस्सा कर रहे बच्चे को, वो एनर्जी उस पानी में जाती है. तो वो एक बात है. तो बच्चे को पानी पिलाते वक्त जब भी आप पानी पिलाओगे तो उसको अच्छे मन से पिलाओ. हम मम्मी है तो आप अच्छे मन से पिलाओगे, मगर स्टिल लाइक आपके मन में कुछ चल रहा है बच्चे को पूछने के लिए समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या कीजिए, बाद में बात कीजिए. पहले उसको प्यार से पानी पिलाइए कि ये पानी तुझे हेल्दी करेगा, या अच्छे से इसको है ना एक प्यार से जो आप उसको बुलाते हो या देते हो वैसा दीजिए, तो वो बहुत काम करेगा अपने बच्चे के हेल्थ के लिए. इवन किसी को भी पानी देते हो वक्त ऐसे ही कीजिए आप. बट मोस्टली अपने बच्चे ही अपने से पानी मांगते हैं हाथ में, तो वो अच्छी बात है, मगर आपको ऐसे पॉजिटिव वे में देना है, तभी आपको कुछ बात नहीं करनी. और एक बात यह है कि आप पानी का दान कीजिए. पानी का दान सबसे अच्छा होता है. तो पानी का दान कैसे करेंगे आप? तो पहले तो आप अपने घर के बाहर ही कुछ पानी रखिए, जो बर्ड्स होते हैं उनको पानी मिलेगा, या कोई पक्षी आया या कोई स्ट्रे डॉग आ गया वो पानी पी लिया, तो उसकी आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी. और एक है, आप घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर एक मटका रख सकते हो, जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक पानी उनको मिलेगा. अर्थ पॉट तो सबसे बेस्ट है, मुझे भी वो मटके का पानी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो पीने से आपको इतना पीसफुल फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है. तो ऐसा कर सकते हैं. तो वो इंसान जो पानी पिएगा वो
उसके मन से दुआ निकलेगी क्योंकि आपने उसके प्यास बुझाई है, तो उसको अच्छा लगेगा और आपको दुआ मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।